आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, आकृति देखकर ज्ञात कीजिए बिंदु M के निर्देशांक। तो देखिए, हमें आकृति देखकर बिंदु M के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए, बिंदु M अपने पास कहाँ है? बिंदु M अपने पास यहाँ है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बिंदु के हम जब निर्देशांक लिखते हैं तो अपने पास किस रूप में होते हैं? तो वो अपने पास एक्स कोमा वाई के रूप में होते हैं। तो जहाँ अपने पास जो एक्स है दोस्तों, वो अपना क्या होता है? वो अपना एक्स निर्देशांक होता है ना, मतलब कि जो पहला है वो अपना एक्स निर्देशांक होएगा और दूसरा जो है वो अपना वाई निर्देशांक होएगा ना। तो एक्स जो है वो एक्स निर्देशांक होता है और वाई जो है वो अपना वाई निर्देशांक होता है। तो देखिए, हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहें तो देखिए, जैसे मैं डी बिंदु के निर्देशांक लिख रहा हूँ, तो देखिए डी जो है वो एक्स एक्स पर अपने पास 6 पे मिल रहा है। तो बिंदु डी का एक्स निर्देशांक अपने पास 6 हो जाएगा और वाई एक्स पर अपने पास 2 पे मिल रहा है, तो वाई निर्देशांक अपने पास 2 हो जाएगा। बिंदु सी के निर्देशांकों की बात करूँ तो एक्स निर्देशांक अपने पास 5 मिल रहा है और वाई निर्देशांक अपने पास -5 मिल रहा है, तो -5 हो जाएगा ना। बिंदु जी की हम बात करें तो देखिए, बिंदु जी का एक्स निर्देशांक अपने पास 2 हो जाएगा और जो वाई निर्देशांक है वाई एक्स पर -4 मिल रहा है, तो -4 हो जाएगा ना। बिंदु ई की हम बात करें तो देखिए, बिंदु ई जो है वो एक्स एक्स पर -3 पे मिल रहा है, तो -3 और वाई एक्स पर -5 मिल रहा है, तो -5 हो जाएगा ना। ऐसे ही हम बिंदु एम की बात करें तो देखिए, बिंदु एम जो है वो अपने पास एक्स एक्स पर कहाँ पे है? -3 पे है, तो -3 और वाई एक्स पर अपने पास ये 0 पे मिलेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक्स पर है तो इसका वाई निर्देशांक अपने पास 0 होगा ना। देखिए, ये अपना क्या है? ये जो है ये वाली लाइन एक्स एक्स डैश, ये अपना एक्स एक्स है और हम जानते हैं दोस्तों कि x x के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक 0 होता है ना। तो x x पर जो है वो अपना y निर्देशांक जो है वो अपने पास 0 के बराबर होता है। तो यहाँ अपने पास -3, 0 जो है वो अपने पास बिंदु m के निर्देशांक हो गए ना। तो यहाँ अपने पास बिंदु m के जो निर्देशांक हो गए वो हो गए अपने पास -3, 0। तो यहाँ बिंदु m के निर्देशांक आ गए -3, 0। तो धन्य दोस्तों, मेरा आंसर हो गया। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।